Hi, I'm Shal Bhojne from SS Malkapur and delivering you the lecture on the topic of units and measurement. Okay, from 11th class physics. Now today's topic is dimensional analysis. Okay, so in last lecture we discussed the basic concepts of dimensional analysis. Okay, now in this lecture we are going to find the dimensions of different physical quantities from the unit. Okay, so I will teach you two methods. In first method, okay, we'll derive the dimensions from the unit, and in next method, we'll derive the dimensions from the formula. Okay, then we'll see the addition and subtraction of dimension, multiplication and division of dimension. Okay, now, okay, so let's say हम देखेंगे. अब हमारे पास एक क्वांटिटी है सपोज फोर्स. ओके, तो फोर्स क्या, फोर्स के जो डायमेंशंस हैं वो किस तरह से निकालने हैं. ओके, यूनिट से हम ये देखेंगे. अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का. अब मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप उसको न्यूटन बोल सकते हैं. ऐसा यूनिट में अगर मैं सीजीएस में निकालता था तो हम उसको टाइम भी बोल सकते थे. ओके, तो देखो फोर्स, फोर्स को किस तरह से लिखने वाले हम, डाइमेंशंस. देखो फोर्स में कौन सी क्वांटिटीज है. किलोग्राम में क्या मेजर करते हैं, मास. ओके, मीटर में क्या मेजर करते हैं, लेंथ. सेकंड में क्या मेजर करते हैं, टाइम. और कोई क्वांटिटी दिख रही है यहां पर, नहीं. तो अब देखो हम मास लेंथ टाइम के टर्म्स में कौन क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन निकाल रहे हैं. अब देखो किस तरह से कर रहे हैं. अब मास की पावर, मास कितने, किलोग्राम की पावर कितनी है, ओके, कुछ भी नहीं मतलब वन. लेंथ की पावर कितनी है, मीटर में, मतलब कुछ भी नहीं मतलब वन. टाइम की, सेकंड की पावर कितनी है, टू. तो यहां पर टाइम को क्या लिखेंगे हम, टू लिखने वाले. ओके, अब ये डिनोमिनेटर में, अगर यूनिट में कोई यूनिट डिनोमिनेटर में है तो उसके लिए माइनस लिख लेना है डायमेंशन में, और न्यूमरेटर में है तो प्लस. तो डायमेंशंस क्या आने वाले हैं फोर्स के, m1 l1 t-2. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स. ओके, आसान है तरीका. मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, किसी भी क्वांटिटी के यूनिट से डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं. अब हम इसके एग्जांपल्स लेंगे. ओके, नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेंगे और उससे जानेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं फोर्स की जगह पर कोई दूसरी क्वांटिटी ले लेता हूँ, ओके, मैं एक्सेलरेशन ले लेता हूँ, या तो अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी. अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, ये हमने बचपन में पढ़ा था. अब 1/2 एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते, कांस्टेंट का कभी भी डायमेंशन नहीं निकलता. ओके, तो हमें कुछ बातें जान लेनी है कि, अब वो तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाते हुए वीडियो में ही बता दूंगा उसके रूल्स क्या है, और फाइनल में एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे रूल्स और किस तरह से सॉल्व कर लें. इससे आप खुद किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने में सक्षम हो जाओगे. ओके, मैं आपको यूनिट पर से डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा. ओके, उसके बाद में फॉर्मूला पर से डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा. उसके बाद में अगर डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो कौन से रूल इस्तेमाल है, करेक्ट से कैलकुलेट करना है, ये सिखाऊंगा. और इसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, एक बार हम ये पूरा सीख लेंगे, उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट में इसे ध्यान में कैसे रखना है और ये बताऊंगा और रिवाइज कर दूंगा. इससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी डायमेंशनल एनालिसिस में. ओके, या तो आपको अगर कोई भी क्वांटिटी दी गई है तो आप उसके इजीली डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आप इतने सक्षम हो जाएंगे. अब देखिए हम हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 का तो कोई यूनिट नहीं होता, एक कॉन्स्टेंट है, एक नंबर है. मास, मास का भी मेजर करते हैं किलोग्राम में. उसके बाद में क्या दी गई है, वेलोसिटी. वेलोसिटी का भी मेजर करते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में. लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर. मीटर पर सेकंड दोनों का स्क्वायर ना, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब. अब देखो इसके डायमेंशंस किस तरह से निकालने वाले हैं हम लोग, देखते हैं. ओके, इसके डायमेंशन किस तरह से आएंगे, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस. तो
कौन सी क्वांटिटीज है, सबसे पहले वो देख लेंगे। ओके इसमें में किलोग्राम क्या है, मास है। ओके देन मीटर, मीटर मतलब क्या है, मीटर में क्या मेजर करते हैं हम लोग, ओके लेंथ है। ओके देन सेकंड क्या है, टाइम। ओके सेकंड में क्या मेजर करते हैं हम लोग, टाइम। तो देखो मास कितने हैं, मास वन, लेंथ कितनी है दो, और टाइम कितना है दो, इसके डायमेंशन क्या है दो। तो इसके मास लेंथ और टाइम में डायमेंशन वन टू, अब ये डिनोमिनेटर में करके माइनस, वन टू माइनस टू है, तो इसके डायमेंशन क्या हो गए, वन टू माइनस टू। ओके समझ में आ गए, तो ये डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी। ओके इसी तरह से आप अलग अलग क्वांटिटीज के निकाल सकते हैं। ओके अभी हम निकालेंगे मोमेंटम। ओके मोमेंटम, ओके मोमेंटम भी निकालेंगे। तो मोमेंटम क्या होती है बताओ, मोमेंटम क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके अब मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं अभी, क्या क्या है, किलोग्राम मतलब मास, ओके मीटर मतलब लेंथ, और सेकंड मतलब टाइम। ओके अब किलोग्राम की पावर वन, मीटर की कुछ नहीं है तो वन, सेकंड की वन, लेकिन डिनोमिनेटर में करके माइनस। तो इसके डायमेंशन क्या है, एम वन एल वन टी माइनस वन। ओके अब और एक क्वांटिटी लेते हैं, टॉर्क ले लेते हैं। यू नो दैट टॉर्क क्या होता है बताओ, टॉर्क ये होता है, ये जिस तरह से हम एनालॉजी देखते हैं, जिस तरह से लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स जरूरी होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क जरूरी होता है, जिसे आप रोटेशनल मोशन का फोर्स भी बोल सकते हो। ओके वो क्या है, टॉर्क है। देखो हम दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए, देखो दरवाजे का एक एंड लॉक होता है। ओके फिर जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह का दरवाज़ा होता है हमारा। ओके जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और दरवाज़ा इस तरह से खुल जाता है, यहाँ पर लगा दे बंद हो जाता है। अब आप यहाँ पर फोर्स लगा कर भी दरवाज़ा खोल सकते हो, और यहाँ पर देखो यहाँ पर फोर्स लगा कर भी दरवाज़ा खोल सकते हो, और यहाँ पर भी फोर्स लगा कर दरवाज़ा खोल सकते हो। कौन सी केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगने वाला है, ऑब्वियस बात है इस केस में दरवाज़ा खोलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगने वाला है, जबकि इस केस में कम। ऐसा क्यों होता है, तो ये जो अप्लाई करने वाला फोर्स होता है और ये जो डिस्टेंस है, ओके ये जो मूवमेंट आर्म का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत होती है। ओके और यहाँ पर डिस्टेंस कम है और हमें टॉर्क तो उतना ही प्रोड्यूस करना है क्योंकि रोटेशनल मोशन है, तो हमें क्या करना होता है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ओके इसको हम एफ आर बोलते हैं, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म में क्या है, लेंथ है। तो फोर्स का हम मेजर करते हैं, तो हमने पहले ही अभी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं न्यूटन की जगह पे डायरेक्टली ये लिख लेता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और मूवमेंट आर्म का हम मेजर करते हैं मीटर में। ओके अब देखो यहाँ पर मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर को क्या मैं मीटर स्क्वायर बोल दूँ, बोल दिया। अब इसके डायमेंशन क्या आने वाले हैं, देखो किलोग्राम मतलब मास है, मीटर मतलब लेंथ है, और सेकंड मतलब टाइम। तो किलोग्राम की पावर वन, मीटर की टू, सेकंड की टू, लेकिन डिनोमिनेटर में करके माइनस। समझ में आया, तो टॉर्क के डायमेंशन क्या आ गए, एम वन एल टू टी माइनस टू। ऑल ऑफ यू गॉट दिस। अब देखो इन डायमेंशनल एनालिसिस में हमें ये सारे एग्जाम्पल से एक बात पता चली, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन और टॉर्क के डायमेंशन क्या है, सेम है। ओके क्या इन दोनों के फॉर्मूले सेम है, क्या इन दोनों की बेस वैल्यूज कॉन्सेप्ट सेम है, क्या ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, ऑब्वियसली नहीं, ये दोनों क्वांटिटीज सेम नहीं है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है डायमेंशन एनालिसिस में, अगर दो क्वांटिटीज की अगर दो क्वांटिटीज डिफरेंट हो, उनकी यूनिट्स भी डिफरेंट हो, लेकिन वो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। ओके ये बात हमें इन सारे एग्जांपल से पता चलेगा। ओके ऑल ऑफ यू गॉट दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।